जी तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अभी हम आ गए हैं सेकंड क्लास की तरफ, और जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देख लिया है कि आज हम बात करेंगे बिन के बारे में। बिन क्या है, बिन में क्या काम होता है, इसके जितने भी ये यहाँ पे आप देख रहे हैं टूल्स हैं, ये किस तरह इस्तेमाल होंगे, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं इस बिन से। किसी भी टाइम फोल्डर को ले सकते हैं, फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं, और कोई भी फाइल है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। बिन सॉफ्टवेयर इस सॉफ्टवेयर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि यहाँ से शुरू करते हैं, ये आपको एक रूट का ऑप्शन आ रहा है। ये रूट एक बेसिक फोल्डर है जहाँ पे ये इंपोर्ट किया हुआ है ये पूरा सॉफ्टवेयर। तो अभी यहाँ पे हम बिन के अंदर भी एक न्यू फोल्डर बना सकते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं लेआउट वन, ठीक है। इसमें हम कोई भी चीज़ इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के दो तरीके हैं, एक तो आप यहाँ से फोल्डर पे क्लिक कर लें, उसके अलावा यहाँ से डबल क्लिक कर लें तो भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम दो वीडियोस इंपोर्ट कर लेते हैं और ये आपके सामने आ गए। ये अब लेआउट वन में आई है। यहाँ पे एक और न्यू फोल्डर बनाते हैं, लेआउट टू, ठीक है। अब लेआउट टू में हम एक और फोल्डर ले आते हैं कि कोई भी वीडियो। तो अब आपको जब एक लेआउट पे काम करना है टाइमलाइन में और दूसरी पे करना है, तो दोनों आपके सेफ और साउंड अलहदा से प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आपको ये बताया कि इंपोर्ट कैसे होता है। उसके बाद हम बात करेंगे इस टूल के बारे में कि ये क्या है, मूव अप बैक स्पेस। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो मूव अप बैक स्पेस करते हैं, तो जो हमने पीछे इससे काम किया हम उस पे चले जाते हैं बैक स्टेप पे। ये आ गया फोल्डर, ये आ गया टेक्स्ट। यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं और यहाँ पे सेफ रख सकते हैं। ये बात ध्यान में रखें कि ये मैं टाइमलाइन की बात नहीं कर रहा, ये टाइमलाइन की बात नहीं कर रहा। इसमें भी एक टेक्स्ट है, ये इसका एक इलादा है, सेम है, लेकिन ये टाइमलाइन के लिए, ये बिन के लिए। जब आप इसके लिए कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं तो उसमें आप सेव कर सकते हैं। मतलब किसी भी टाइम आप, जैसे कि आपने ये वीडियो इम्पोर्ट की है, ये जैसे वीडियो हमारे पास इम्पोर्ट है, इसी तरह हम टेक्स्ट भी इम्पोर्ट करके रख सकते हैं। ये आपको इसलिए काम आएंगे कि इसमें आप कोई भी डिज़ाइनिंग बना सकते हैं। यहाँ पे बना के आप ये इस तरह कोई भी चीज़ आप रखना चाहें और आप रख सकते हैं, और मज़ीद मतलब कोई भी आपने पैराग्राफ बनाना है तो ये आप बना के रख सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे सेफ आ गया। सेम एज नेक्स्ट चलेंगे न्यू क्लिप। न्यू क्लिप, व्हाट इज़ न्यू क्लिप? न्यू क्लिप एक ऐसा टूल है जिसमें आप किसी भी किस्म का कलर क्लिप बना के आप अपने पास रख सकते हैं, एक बैकग्राउंड बना के रख सकते हैं। कैसे? एग्जांपल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये कलर बार्स है, इस पर आप क्लिक करके सिंपल आप यहाँ पे ओके कर दें। तो ये जब हम टाइमलाइन पे लेकर आते हैं तो आप देखिएगा कुछ इस तरह होगा, सही है। इसके साथ आपको बीप भी आएगी और ये आपके काम आ सकता है। ये है डस्टबिन, इसको हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और इसको यहाँ पर अपना बैक स्पेस पे भी ऑप्शन दे सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। और यहाँ पे कलर मेल्ट है, यहाँ पे आप कलर बना सकते हैं। ये ग्रे कलर है, यहाँ पे आप कलर चूज़ करें, वन टू और थ्री। आपने ये बैकग्राउंड बनानी है, यहाँ पे थ्री नंबर लिखना है कि हमने तीन कलर चूज़ कर लिए हैं, ये तीनों हमें चाहिए। तो आपकी ये यहाँ पर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। किसी भी टाइम कोई बैकग्राउंड चाहिए आपको, सिंगल कलर की चाहिए, डबल कलर चाहिए, तो आप ये टूल चूज़ कर सकते हैं। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है कट क्लिप। कंट्रोल एक्स इसकी शॉर्टकट की है, सबको मालूम होगा। आपने यहाँ से इसको कट करना है तो यहाँ पे आप कट कर सकते हैं, और यहाँ पर लेयर टू में आपने पेस्ट करना है तो ये साथ पेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। आ जाता है ये आपका ऑप्शन यहाँ पर है जी, शो इन प्लेयर, कि ये जो है आपका प्लेयर में शो हो। ये आप साथ वीडियो और ये देख रहे हैं, यहाँ पे इस डेस्कटॉप के ऊपर वीडियो व्यू के ऊपर दो ऑप्शन है, एक प्लेयर है, एक रिकॉर्डर है। जब हम प्लेयर पे ओके करेंगे तो ये हमें ये चाहिए, हम इसको देखना चाहते हैं शो इन प्लेयर में। तो यहाँ पे हम करेंगे तो ये हमारे सामने, यहाँ पे दो स्क्रीन्स होती हैं। यहाँ से मैं इसको डुअल कर लेता हूँ। अब आप देख रहे हैं ये हमारे पास आ गया, ये आ जाएगा प्लेयर में और एक आ जाएगी रिकॉर्डर में, ठीक है। ये इसी तरह ये यहाँ पे ये आ गया प्लेयर में, ये आ रही है रिकॉर्डर में। ये देख रहे हैं ये वाली रिकॉर्डर है और ये है प्लेयर, ये हमारे सामने आ गई।
तो इस तरह स्क्रीन का व्यू भी आपके सामने डिफरेंट है, मतलब कि आप कोई चीज़ एडिट करना चाह रहे हैं और एडिट करने के बाद आप उसको रेंडरिंग करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और फिर आप देखना चाहते हैं तो उसका क्या बेनिफिट है। और भी इसका मैं बताता हूँ आपको कि इसका क्या बेनिफिट है, ये प्लेयर में आप क्यों देखना चाहते हैं। प्लेयर में इस वजह से भी देखना चाहते हैं क्योंकि आपको जो क्लिप चाहिए आप वो ही रखना चाहते हैं, इस वजह से आपको इसको यहाँ से कट करेंगे और कट करके आप लेके आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप इन करेंगे, इतना हिस्सा आपको चाहिए, ये वाला आप यहाँ से उठा के यहाँ पे लेकर आ सकते हैं, जितना हिस्सा आपको चाहिए वो आप लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अभी ये पूरा प्रीसेट नहीं आया बल्कि सिंपल जो आपने बनाया इन आउट के दरमियान वाला था, सिर्फ ये वाला हिस्सा आया है। ठीक है, इसका ये भी बेनिफिट है। नेक्स्ट आते हैं जी, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड टू टाइम लाइन, दिस इज़ फॉर लुकिंग यू टाइम लाइन, ये टाइम लाइन है, ये उसके ऊपर सीक्वेंस चल रहे हैं, ये टाइम चल रहा है आपका। यहाँ भी आप इसको ऐड करते हैं और यहाँ से क्लिक कर देते हैं, ये आपका आ गया टाइम लाइन में, वेरी सिंपल। ये देखें यहाँ पे टाइम लाइन में आपने कोई भी वीडियो ऐड करनी है, इसके दो तरीके होते हैं, एक तो ये यहाँ से आप इसको पिक करके आप लें माउस की मदद से, यहाँ पे टाइम लाइन में आ जाता है, और दूसरा ये होता है कि आप यहाँ से क्लिक कर दें उस के जो भी आपने फोल्डर या जो भी वीडियोस क्लिप लेकर आना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो टाइम लाइन में इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है जी, उसके बाद आ जाता है डस्टबिन। डस्टबिन का तो सबको मालूम है कि ये सिंपल आप यहाँ से डिलीट करते हैं तो डस्टबिन में चला जाता है, और उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि थ्री डॉट्स लाइंस आ रही हैं, इसका मतलब क्या है ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, आपकी कौन सी ऑडियो कौन सी वीडियो क्या चीज़ इस्तेमाल हो रही है, ये सिंपल यहाँ की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, बिन की प्रॉपर्टी। उसके बाद आ जाता है व्यू क्लिप, मतलब आप इसको किस तरह देखना चाहते हैं, प्रॉपर्टी के साथ देखना चाहते हैं, थंबनेल में देखना चाहते हैं, या जैसे ही ओपन है उसी तरह देखना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को आपने बिल्कुल गौर से पढ़ना है। ये आप चीज़ें समझ गए तो आपको एडिटिंग में ज़रा भी मसला नहीं होगा, आप बल्कि जब आप एडिटिंग करेंगे तो आपको एडिटिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आ जाता है एक टूल्स का ऑप्शन है, ब्रीफ केस है, टूल्स है, इसमें लिखा हुआ है जी कि बर्न डिस्क, आप यहाँ पे डीवीडी आप डिस्क भी बना सकते हैं, राइटर अगर आपके पास मौजूद है तो आप एक्सपोर्टिंग फाइल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपका ये वाला एमपेग टीएस राइटर है, ये डिफरेंट मतलब जो पहले था आजकल तो एक्सपोर्ट करके फ्लैश में। तो आज हमारी क्लास इतनी ही रहेगी, हम इसको बढ़ाएंगे नहीं क्योंकि आपको समझ आना चाहिए। आप अपना सॉफ्टवेयर पहले आपको बोला कैसे, मतलब आप लोग इंस्टॉल करेंगे कैसे, उसका इंटरफेस बनाएंगे, उसके बाद आपके पास ये हमने आज वीडियो में दिखाया कि आप बिन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बिन को आप कैसे यूज़ करेंगे, और इसमें आपको ऑप्शन बताए कि आप कितने ऑप्शंस में जो है ना इसमें कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 सर्चिंग, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये सारे आज आपको ऑप्शन बताए गए हैं कि इनमें आप किस तरह काम कर सकते हैं, और ये सारे बिन। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि आगे हम चल के इंशाल्लाह इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे, इफ़ेक्ट व्हाट इज़ इफ़ेक्ट, इफ़ेक्ट के बारे में हम जब बात करेंगे तो उसमें ये होगा कि इफ़ेक्ट में सिंपल होता है, इफ़ेक्ट आप लगा सकते हैं, ट्रांजिशन होती हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हैं इसमें। इफ़ेक्ट के बारे में बकायदा एक क्लास बनाऊंगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि ट्रांजिशन कैसे लगती है, कलर बैलेंस कैसे होता है। एग्जांपल के तौर पे आपको छोटा सा वैसे ही सिंपल आप यहाँ दिखा देता हूँ, एक कलर बैलेंस ये देखें, यहाँ पर जब हम ऐड करते हैं तो ये इसकी कोई इन्फॉर्मेशन होती है, प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे पहले आपको बताया ये टाइम लाइन है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये बिन है, और ये डेस्कटॉप व्यू है हमारा। ठीक है जी, वीडियो का व्यू है। तो ये प्रीसेट ऐसे होती हैं, इसमें मज़ीद आगे जाएं तो कलर बैलेंसिंग होता है, आप किस तरह इसको लाइट डार्क कर सकते हैं, कैसे अपनी ट्रांजिशन बना सकते हैं, वीडियो को कैसे लाइट डार्क कर सकते हैं, सारी चीज़ें ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको ले आउटर के बारे में बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, ले आउटर के बारे में, टाइमर के बारे में, और उसके अलावा ये जो ऑप्शंस हैं, ये जो टूल्स हैं, इस बारे में बताया जाएगा। थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलें, और काइंडली बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।